मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में शनिवार को भाजपा विधायक उमेश मलिक पर हमला कर दिया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और काला तेल उड़ेल दिया गया। उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। विधायक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। विधायक का आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने उन पर हमला किया है। आपको बता दें कि उमेश मलिक बुड़ाना सीट से भाजपा के विधायक हैं। वो सिसोली गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। यहीं पर लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनकी कार के पास आ गए। भीड़ ने उनके वाहन पर ईंट और पत्थर मारने शुरू कर दिए। कार पर कालीख फेंकी गई, वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और विधायक के साथ अन्य नेताओं ने भागकर जान बचाई। यहां पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनके कपड़े भी कीचड़ से सन गए। उमेश मलिक का कहना है कि उनको मारने की कोशिश की गई है। उनका आरोप है कि हमला करने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन के थे। ये भी बताया जा रहा है कि ये गांव राकेश टिकेत और नरेश टिकेत का है। विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के बाद सिसोली गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने पहले शीशे पर हाथ से हमला किया और उसके बाद पत्थर और ईंट से वार होने लगा।